प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया और आपको 10 से 15 दिन हो गए हैं, अब आपको क्या करना चाहिए? और आपके पीरियड भी मिस हो गए हैं और पीरियड आने की कोई भी संभावना नहीं है, तो इस केस में आपको यही करना है कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट दोबारा से रिपीट करना है। 5 से 6 दिन के बाद आपको दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट करना है और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो कन्फर्म हो जाएगा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर तब भी आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उस समय आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि आपके पीरियड नहीं आ रहे तो रीजन क्या हो सकता है, क्या कोई प्रेगनेंसी है या एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, एक टॉपिक प्रेगनेंसी है, बहुत सारे रीजंस होते हैं या हार्मोनल इश्यूज है जिसकी वजह से आपका जो पीरियड है वो मिस हो रहे हैं, तो ये सब आपको करना है। और जो भी डॉक्टर फॉलो बोलेंगे उनको जरूर फॉलो कीजिए और अपनी डाइट को अच्छा रखिए, पानी की मात्रा अधिक लीजिए, फल फ्रूट खाइए, नट्स बादाम अखरोट और इन सब चीज़ों का पालन कीजिए, तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, पानी की अधिक मात्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी और आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। और दूसरी चीज़ है, अपने गायनाकोलॉजिस्ट से पूछ कर आप जो एक फॉलिक एसिड की दवाई होती है, छोटी सी गोली होती है, वो 2 से 3 महीने आप लगातार ले सकते हैं एक गोली, तो वो भी आपके जो हार्मोन्स है उनको ठीक करेगी और बैलेंस करने का काम करेगी। आई होप मेरी एडवाइस आपको प्रॉफिट दे, लाभ दे। और मेरे चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, मेरी चैनल आप वीडियो सबको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।